सतना के ताला से रीवा जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। यह हादसा ताला के पास हुआ। जानकारी के अनुसार 13 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोचिंग करने जा रही थी। कुछ आपको समझ में आया? नहीं, बस पलट गई। मुझे सुनाई बस दे रहा था कि बस पलट गई। घायल 4-5 ही थे। 6:30 की एक बस जो है ताला से रीवा के लिए आती है, जो अमरपाटन क्षेत्र में आता है, ताला मुकुंदपुर के पास में, और कुछ ही दूर पे 5 मिनट में ये जो बस है, 5 मिनट में मतलब 6:35 के आसपास ये सड़क किनारे गुड़ गई, मतलब पलट गई। और यहाँ पर अभी 10 लोग आए हैं, उसमें से एक सीरियस है, जिसको हमने अभी सीटी स्कैन के लिए भेजा है और उसको फ्रैक्चर भी ऐसा लग रहा है। बाकी जो 9 लोग हैं उनको माइनर इंजुरी है, और अभी हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद में उनको हो सकता है। घटना ये अभी जो बस चालक बता रहा था, वो मालिक भी है शायद, रवि सिंह। रवि सिंह पिता सुरेंद्र सिंह, उम्र 24 साल, निवासी इटमा कुठार, थाना ताला का रहने वाला है। वो ये बता रहा है कि पानी गिरा था, गीली मिट्टी थी, तो मिट्टी में अचानक गाड़ी स्लिप हो गई और अनियंत्रित होकर पलट गई। ऐसा ये जा रही थी रीवा, ये रवि सिंह की बस है।